गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की हम जो वीडियो में करेंगे मूल विधि, यानी कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जो हमारी मूल विधि होगी। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स करते हैं और इस किस पार्ट में कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन सी धाराएं आती हैं। उससे पहले हम कुछ शब्दावली क्लियर करेंगे, जैसे ये बीच बीच में शब्दावली आएंगी, टर्मिनोलॉजी, प्रत्यार्पण या समुद्री क्षेत्राधिकार, अपराध क्या होता है, अपराध के चरण कितने होते हैं, तो ये भी सब हम गहराई से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी जो आईपीसी है ये कब लागू हुई थी, कब इसको स्वीकार किया गया, इसमें भाग कितने हैं और टोटल धाराएं कितनी हैं, तो ये वन बाय वन हम समझते हैं। क्या शुरू करते हैं, देखना मूल विधि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन पेनल कोड, और इसमें टोटल भाग या अध्याय कितने हैं। भाग कहिए, अध्याय बात एक ही है, तो भाग हो जाएंगे इसमें कितने, 23, और टोटल सेक्शंस या धाराएं कितनी हैं, 511। क्वेश्चन आता है कि आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी होती है, 302, जिसमें मृत्यु दंड दिया जाता है, कैपिटल सेंटेंस या डेथ पेनल्टी जिसे कहते हैं, तो लेकिन संख्या में सबसे बड़ी कौन सी है, 511। लेकिन पूरे अगर आईपीसी में देखते हैं तो वो धारा 302 हो जाएगी, यानी 302। तो इसमें हम ये करते हैं कि किस भाग में, किस अध्याय में कौन कौन सी धाराएं आती हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, कि दंड कौन से भाग में लिखा हुआ है, भारत देश से उसकी परिभाषा किस में है। तो इसमें टोटल कितने भाग हैं, 23 भाग। तो हम पहले 9 के बारे में चर्चा करते हैं। खैर, भाग एक या भाग इसमें अध्याय एक में क्या बताया गया, प्रस्तावना, नाम और विस्तार और परिवर्तन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी संहिता है इसका नाम क्या दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, आईपीसी, फुल फॉर्म क्या, इंडियन पेनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता, और उर्दू में नाम होता है इसका ताजीराते हिंद। आपने देखा हो फिल्मों में कि ताजीराते हिंद के तहत है ना, बामुशक्कत 5 वर्ष की सज़ा दी जाती है, काला पानी की सज़ा जो है, तो ये कहाँ पर, अनुमान निकोबार में हुआ करती थी, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, आईपीसी, और इसमें प्रस्तावना दी गई है, विस्तार, इसका विस्तार कहाँ तक होगा, देखना देश की सीमा के अंदर, हमारे देश में, भारत हमारा देश होगा, उसके अंदर और उसके परे भी, परे और बाहर में आप मीनिंग समझें, तो अनुच्छेद 2 और 3 में दिया गया है कि अगर भारत के अंदर अपराध होते हैं उस पर आईपीसी की धारा लागू होगी। इसमें एक्सक्लूड जम्मू कश्मीर किया गया था, लेकिन 2019 में क्या किया, कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया, जो अनुच्छेद 370 था वो रिमूवल कर दिया गया और ये एक साधारण राज्य बना, फिर उसमें विशेष राज्य का एक लद्दाख को दर्जा दिया गया था। खैर, अब ये पूरे भारत में लागू है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में क्या लागू था, रणबीर पेनल कोड लागू था, एक वहाँ के महाराजा हुए, जैसे महाराजा अजीत सिंह का नाम हम इतिहास में पढ़ेंगे, ये उनसे भी पहले हुए, तो 1932 तक वहाँ ये लागू की गई थी, जो रणबीर पेनल कोड आरपीसी, लेकिन अब वहाँ पर आईपीसी लागू है, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 370 रिमूवल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया वहाँ से। तो इसका विस्तार कहाँ तक होगा, भारत में, लेकिन अगर कोई भारतीय व्यक्ति, पुरुष या स्त्री या कोई व्यक्ति अगर बाहर कहीं पर अपराध करता है, उसकी नागरिकता भारत की है, उस पर भारत के ही नियम लागू होंगे, आईपीसी के, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, विस्तार में, और परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब लागू होना। देखना हम एक चीज़ पढ़ेंगे, प्रत्यार्पण, प्रत्यार्पण को कहा जाएगा इंग्लिश में एक्सट्राडिशन। प्रत्यार्पण क्या होता है, प्रत्यार्पण होगा अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में या कहीं पर भी अपराध करता है और उस पर आईपीसी की धारा लागू होगी, तो दूसरा देश वो गिरफ्तार करके, या इंटरपोल जो भी होगी, इंटरनेशनल पुलिस, वो गिरफ्तार करके हमें सौंप देगी, यानी कि भारत देश को, अब यहाँ पर लाकर उस पर ये चलाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगी, उसे क्या, जब एक देश के अपराधी को उसी देश को सौंपते हैं, दूसरे देश से गिरफ्तार करके, वो प्रत्यार्पण होगा। आपने देखा होगा जैसे विजय माल्या का मामला है, और भी है, ये विदेशों में चले गए, तो वहाँ पर प्रत्यार्पण संधि पर सिग्नेचर हुए, अब वो बाद में हमें सौंप दिए जाएंगे। फिर बहुत सारे ऐसे अपराधी थे, एक लिस्बन से गिरफ्तार किया, प्रत्यार्पण संधि हमारी थी उस देश के साथ में, तो ये हमें सौंप दिया गया। क्वेश्चन है कि अभी तक हाल ही में कितने देशों के साथ में, ये 33 या 34 कंट्रीज के साथ में हमारी प्रत्यार्पण संधि है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। किसी भी देश की जो समुद्री सीमा होती है वो 12 मील दूर तक होती है, 12 मील दूर, एक समुद्री मील होता है 1852 मीटर दूर तक होता है। इसमें हम यहाँ पर अपना एक्वाकल्चर कर सकते हैं, जैसे हम श्रीलंका तक अपना क्षेत्र दिखाएंगे, तो 12 नोटिकल माइल दूर तक भारत की समुद्री सीमा होगी, उसमें कुछ भी समुद्री पालन, मत्स्य पालन होता है, झींगा मछली पालन, मछली पालन, केकड़ा पालन, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो किसी भी देश का समुद्री क्षेत्र विस्तार है ना, ये कितना, 12 नोटिकल माइल डिस्टेंस तक होता है, और एक नोटिकल माइल 1852 मीटर होता है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है जीके में, समुद्र की दूरी कैसे नापते हैं नोटिकल माइल में, एक नोटिकल माइल बराबर 1852 मीटर, समुद्र की गहराई किस में नापते हैं, फैदम में, एक फैदम बराबर 6 फीट का होता है। खैर,
एक आएगा इसमें ये शब्दावली जो होगी अपराध के चरण, अपराध के पांच, ये सॉरी चार चरण होते हैं, कोई भी अपराध करने के चार चरण क्या होंगे। एक तो होगा अभिप्राय, इंटेंशन क्या है उसका। नंबर दो होगा तैयारी करना। नंबर तीन होगा अटेम्प्ट करना, यानी कि प्रयास करना। और नंबर फोर होगा जब वो अपराध को अंजाम दे देगा, किसी घटना को अंजाम देना। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, इन चार चरणों में अपराध के कितने चरण होते हैं? फोर, चार चरण होते हैं। इन चार चरणों में सबसे पहले कौन सा होता है? अभिप्राय। और इसमें दंड योग्य कौन सा नहीं होता? इंटेंशन, अभिप्राय, ये दंडनीय अपराध नहीं है। लेकिन अगर अपने इंटेंशन को कोई व्यक्ति दूसरे को शेयर करता है, यानी कि वो षड्यंत्र हो जाएगा, कंस्पायरेसी हो जाएगा, कंस्पायरेसी दंडनीय अपराध होता है। ऐसे जब वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में वो दंडनीय भी हो सकता है और अदंडनीय भी हो सकता है। लेकिन जब प्रयास करेगा, अटेम्प्ट, इसमें दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति को। अपराध जब पूरा होगा तब भी दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है? तो इरादा दंडनीय अपराध नहीं। से एक एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे एक मनसेरिया होता है, मनसेरिया है ना, मनसेरिया एक वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मन स्थिति या दुराशय। मन स्थिति क्या, हमारे वैदिक शास्त्रों में एक काम के या कर्म के तीन चरण बताए गए, वहाँ पर थ्री, और ये हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, ये तो मैं वैदिक शास्त्रों के बारे में, उसमें ना कि जो कर्म होते हैं, जो हम काम करते हैं, कुछ भी वर्क या एक्ट करते हैं, उसके तीन फेस होते हैं। कौन कौन से? मन कर्म, जीवा कर्म और काया कर्म, जो हम हाथ पैर से करते हैं, अपनी बॉडी से करते हैं। सबसे पहले काम करने का जो आइडिया है वो माइंड में आता है, उसको बोलते हैं मन कर्म। दूसरे को क्या कहते हैं हम, कि जब हम जीव पर भी ला सकते हैं जीवाकर्म, यानी कि बोलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं उसके बारे में। और थर्ड वन कौन सा हो जाएगा, जब हम फिजिकली उस वर्क को करते हैं, यानी कि मन स्थिति। यहाँ पर भी यही है, मनसेरिया क्या होता है, मन स्थिति दुराशय, जब हमारे माइंड में एक गलत विचार आएगा, हम दूसरे को कोई हानि पहुँचाना चाहते हैं, है ना, तो उसको मनसेरिया कहा जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कोई मनसेरिया क्या ये दंडनीय अपराध है? हाँ, पहले घटना का आंकलन किया जाएगा, अगर मन में बुरा विचार था काम करने के लिए और वो सिद्ध हो जाता है, अब ये भी दंडनीय अपराध होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर होते हैं और एक कोई डाकू लुटेरा है, दो व्यक्ति है ना, एक तो डॉक्टर हैं और एक डाकू लुटेरा। कोई डॉक्टर क्या करते हैं कि वो अपने मरीज को हर संभव बचाने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, उसे किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, किडनी के स्टोन को कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा है बायोलॉजी में कि हमारे सबसे पहली संभावना जो पथरी बनती है, पथरी का नाम कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, तो पथरी सबसे पहले मानव में किस अंग में बनती है? तो ये बनती है किडनी में, जिसको वृक्क भी कहते हैं, किडनी में। और दूसरी संभावना लीवर होती है, फिर है ना, गाल ब्लैडर में बन जाती है कभी कभी। तो जो लीवर की पथरी है, मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, वो उसको बचाना चाहते हैं और सर्जरी करते हैं, स्टोन निकालना चाहते हैं, अंडर ट्रीटमेंट उस मरीज की, उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। बहुत ऐसे केसेज होते हैं, है ना, कि सफल उसमें ऑपरेशन नहीं हुआ है, सर्जरी नहीं हुई और डेथ हो जाती है। तो मान लीजिए अगर उस मरीज की, उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर यहाँ पर वो नहीं कि अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के मन, जो मन स्थिति थी, वो अच्छे कार्य के लिए थी, वो हर संभव बचाना चाहते थे अपने पेशेंट को। लेकिन एक डाकू लुटेरा है कोई व्यक्ति, डाकू लुटेरा किसी को लूटने के लिए जो चाकू घोंफता है, मान लीजिए उसने चाकू हमारे पेट पर वार किया और उसमें जो किडनी है वो डैमेज हुई, देखना डॉक्टर ने भी किडनी को ही डैमेज किया था, हालांकि उसके अच्छे विचार थे। लेकिन अगर कोई डाकू लुटेरा है, वो भी एक चाकू घोंपता है, स्टैबिंग करता है हमारे पेट में, और उसमें किडनी डैमेज हो जाती है और वहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो चोर लुटेरे ने, उसने एक दुराशय कर दिया, चूँकि मन में गलत विचार था, उसको हानि पहुँचाना ही उसका विचार था, मन स्थिति थी। तो इसमें सजा किसको दी जाएगी? डॉक्टर को नहीं दी जाएगी, लुटेरे को दी जाएगी। लुटेरे की मन स्थिति क्या थी? कि वो लूटना चाहता था, जबकि डॉक्टर लूटना नहीं चाहते थे। समझ में आया ना दोनों में क्या अंतर होता है? तो जो डॉक्टर का मन स्थिति हुई, उसको तो हम कहेंगे इंटेंशन क्या था, अभिप्राय क्या था। डॉक्टर का अभिप्राय था अपने पेशेंट को बचाना, लेकिन लुटेरे का जो इंटेंशन था, वो था उसको लूटना, हानि पहुंचाना। इसलिए ये जो गलत विचार जब मन में आता है और ये सिद्ध हो जाता है, इसको मेंसेरिया बोलते हैं। आया समझ मेंसेरिया क्या होता है रजनीश जी? तो अपराध के चार चरण होते हैं। सबसे पहले तो अभिप्राय होता है, एक मन स्थिति होगी, अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब अपना अगर वो इंटेंशन, इरादा, या इसको कहें कि नज़रिया क्या था उसका, अपने नज़रिए को, इरादे को वो उसमें तैयारी करता है। मान लीजिए फाइनली किसी की हत्या करनी है, तो पहले तो मन में विचार आएगा। दूसरा नंबर ये होगा, अब वो तैयारी करेगा, प्रिपरेशन। मान लो उसको चार पांच चीज़ें चाहिए, उसके पास गन भी होनी चाहिए, रात के अंधेरे में देखने, टॉर्च भी होनी चाहिए, वेपन भी होना चाहिए, चाकू पिस्तौल होना चाहिए, फेस कवर होना चाहिए, है ना, ये कभी टूल किट समझ लो, है ना, लुटेरे की मर्जी। खैर
तो ये तो तैयारी करेगा किसी व्यक्ति की हत्या करने वाली, जो पांच चीज़ों की आवश्यकता है, पांच टूल्स की, यानी कि टॉर्च, मास्क, फेस कवर और उसमें पिस्तौल, चाकू जो भी है, और एक कुछ और भी हो सकता है ऐसा टूल। तो ये तो क्या हुई प्रिपरेशन। अब जो इस तैयारी के लिए जो वो प्रयास करेगा, अब उसने मान लीजिए पिस्तौल से हमला किया, चाकू से हमला किया, ये क्या हो जाएगा अटैम्प्ट प्रयास। क्वेश्चन है तैयारी और प्रयास में क्या अंतर होता है। तैयारी दंडनीय अपराध हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रयास हमेशा दंडनीय अपराध होगा अगर वो मन, ये मन स्थिति उसकी दुराश्य है, यानी कि मन से रिया है अगर मन में उसके, तो प्रयास क्या हो जाएगा जब उस पर हमला करेगा। और जब हमला करेगा अगर कोई व्यक्ति मारा ही जाता है उसमें, हत्या कर देता है, अब वो तो दंडनीय अपराध हो गई। तो दंड के ये चार चरण होते हैं, ये इसी सीरियल में आपको नोट करने हैं। तो ये आया समझ में, प्रत्यार्पण क्या होता है, समुद्री सीमा हमारी कहाँ तक होती है, 12 नोटिकल माइल दूर तक, और ये अपराध के चरण हो जाएंगे, चार चरण होते हैं। दंड पांच प्रकार के होते हैं, अभी आगे चर्चा हम करेंगे। मेंसेरिया क्या होता है, मेंसेरिया मन स्थिति, मन में गलत विचार आना, हिंदी में दुराश्य कहेंगे इसको। ओके, एक स्त्री पुरुष और व्यक्ति के बारे में देखिए, आईपीसी की धारा 10 में और 11 में बताया गया, 10 और 11 में स्त्री और पुरुष की परिभाषा है। एक बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो फर्टिलिटी एज होती है महिलाओं की, तो महिला की फर्टिलिटी एज 49 वर्ष तक होती है, उसके बाद में अगर बच्चे को जन्म देते हैं रियर केस में, वो उसमें फर्टिलिटी रेट में नहीं गिना जाएगा। खैर, क्वेश्चन है कि स्त्री शब्द का तात्पर्य क्या होता है, किस एज ग्रुप की महिलाएं स्त्री कहलाएंगी। तो जो स्त्री होता है, जो घोतक होगा, इंडिगेशन, जन्म से और मृत्यु तक की जो आयु है सब वो स्त्री हो जाएगा। मान लीजिए किसी ये कोई गर्ल है, उसमें 4 वर्ष की है, वो स्त्री शब्द के अंतर्गत आएगी। जन्म से, आज मान लीजिए आज जन्म हुआ है किसी बेबी चाइल्ड का, तो उसमें आज से, आज एक दिन की है वो, और अंतिम दिन तक अपनी मृत्यु तक स्त्री, वो स्त्री कहलाएगी। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, जन्म से मृत्यु तक। और ऐसे ही आईपीसी की धारा 10 में बताया गया है, ये 10 में आएंगी सारी, आपको लिखवाएंगे इसमें, ये आईपीसी की जो सेक्शन है 10 में, तो 10 में स्त्री और पुरुष शब्द की परिभाषा है। पुरुष शब्द के अंतर्गत क्या आएगा, इसमें भी सेम ही होगा, जन्म से मृत्यु तक वो पुरुष कहलाएगा। और ऐसे ही व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये 11 में आता है, आईपीसी की धारा 11 में आईपीसी। तो 11 में क्या आ जाएगा, व्यक्ति। देखना व्यक्ति का मतलब हम ये समझते हैं ज़्यादातर कि उसमें पुरुष या महिला कोई होगा उसको व्यक्ति या पर्सन कहेंगे, नहीं। इसके अंदर जैसे पार्टीज होती है ना, जैसे हमारी एक संस्था है, तो संस्था अगर कोई गलत कार्य करती है, संस्था के खिलाफ कोई मुकदमा करता है, ये भी व्यक्ति हो जाएगा। तो व्यक्ति में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कोई संगठन या कोई संस्था या कोई उसमें स्त्री या पुरुष भी हो सकता है, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए जो अनुच्छेद, जो आईपीसी जो पहली है, इसमें दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत में या भारत से परे बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी अगर बाहर कोई अपराध करता है, उस पर आईपीसी की धारा लागू होती है। अगर कोई पर्सन इंडिविजुअली करता है या कोई संस्था हमारा कोई गलत कार्य करती है बाहर, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा, संस्था ही हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति होगा। समझे ना, व्यक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं। तो ये कुछ शब्दावली है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अभी और भी शब्दावली हम क्लियर करेंगे। तो देखिएगा आप ये भी है ना, शब्दावली समझिए पहले। इसमें ना दंडों के प्रकार, क्वेश्चन है कि जो पनिशमेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, पांच। देखना, आपको अभी बताया है कि अपराध के चरण कितने होंगे, चार चरण होते हैं, है ना। आज से होगा उसका इंटेंशन, दूसरा उसकी तैयारी होगी, तीसरा फिर वो अटेम्प्ट जो करेगा प्रयास, नंबर 4 जब वो अपराध को अंजाम देगा यानी कि घटना को। ऐसे ही दंडों के प्रकार बताए गए हैं, दंडों के प्रकार पांच होते हैं, और आईपीसी की धारा आएंगे 53 में, 53 आईपीसी के कौन सी धारा हो जाएगी, सेक्शन 53। तो 53 में क्या है, पांच प्रकार के दंड बताए गए हैं, कौन कौन से। एक तो कारावास, जे देखना जो सेंटेंस होगा, जो कारावास यानी जो सजा दी गई है, साधारण और कठोर होगा। एक तो SI होता है, SI सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और एक होता है RI रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, है ना। वैसे तो अलग अलग आर्ट उसमें पढ़ेंगे सेक्शन में हम। ये कारावास दो प्रकार के तो ये हुए, एक तो साधारण और एक सश्रम। कठोर में सश्रम हमें कार्य भी करना पड़ता है वहाँ पर, जैसे सेंट्रल जेल है या कोई भी और स्टेट की बड़ी जेल जो होती है, और जिन पर जो संगीन धाराएं लगी हो उनको वहाँ पर काम भी करना पड़ता है। अगर हम काम नहीं करेंगे, छोटी जो जेल है उनमें तो पैसा दे देते हैं पर डे का, और बाद में फिर वो मुआवजा भी मिलता है, जो हमारा मेहनताना है वो दिया जाता है। जब संजय दत्त को यारवाड़ा जेल से छोड़ा गया था तो कुछ मुआवजा भी वहाँ पर दिया गया था, जो उन्होंने वहाँ पर काम किया था उसके बदले में मेहनताना मिलता है। तो कारावास दो प्रकार के, साधारण कारावास, कठोर कारावास। एक होगा आजीवन कारावास, आजीवन लाइफ सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, लाइफ सेंटेंस, आजीवन कारावास। क्वेश्चन है कि आजीवन कारावास कितने दिनों के लिए होता है। अगर अमूमन साधारण से हम देखें
कि ये 20 वर्षों के लिए भी होता है, 20 वर्षों के बाद में उस पर फिर कंसिडर किया जाएगा कि इस व्यक्ति को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है ना। जेल का जो प्रशासन है वो वहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ कार्य वो सब देख सकता है। लेकिन एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि आजीवन कितने वर्षों का होता है, कितनी अवधि का, तब इसका सिंपल सा आंसर था शेष बचा हुआ जीवन वो हमें जेल में ही बिताना है। लेकिन एक आंसर ये भी देने लगे कि 20 वर्षों के लिए जेल प्रशासन देखेगा उसके बारे में। नंबर 3, डेथ पेनल्टी, कैपिटल सेंटेंस, इसको बोलते हैं क्या, कैपिटल सेंटेंस या डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड, ये धारा किस में आ जाएगा, 302 में। हम 302 को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे, किसी भी अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता है। और एक नंबर 4, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, फाइन है ना, जैसे कोस्टिंग होती है तो फाइन या जुर्माना लग सकता है। नंबर 5 हो जाएगा संपत्ति का हरण करना, जिसको सामान्य भाषा में हम कुर्की बोलते हैं। ये जो 5 इसमें दंड दिए गए हैं, 5 प्रकार की जो सजाएं, इनको आप डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं। आप 5 नंबर का 1 पर बोल दीजिए, 1 का 3 पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कारावास, आजीवन कारावास, मृत्युदंड और एक जुर्माना और एक कुर्की हो जाएगा इसमें, संपत्ति का हरण करना है, 5 प्रकार के दंड हुआ करते हैं। देखना, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जल्लाद ये कौन से इसमें आईपीसी की धारा में आते हैं, 78 में क्वेश्चन है कि किसी भी मृत्यु दंड पाने वाले व्यक्ति से अंतिम रूप से कौन बात करता है, वो जल्लाद ही करता है। जल्लाद जब सब लीवर अपने सब काम तैयार कर लेगा वहाँ पर, तो बाद में उसके कान में बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर देना, उसके कान में, यह अलग से कहेगा, इंडिविजुअली बात होती है कि मुझे माफ़ करना। सवाल यह है कि जल्लाद जब फांसी देता है, असली एक्ट ये किसने किया, क्या ये अपराध था, है ना, क्योंकि फांसी देगा वही अंतिम रूप से, जो मारेगा वो तो जल्लाद मारता है उसे। बक्सर बिहार में फांसी का फंदा बनता है, ये 1 या 2 सप्ताह पहले जो गले की नाप ली जाती है, वो सभी कौन जल्लाद करेगा। खैर, जो जल्लाद होगा अंतिम रूप से बात करता है, और आईपीसी की किस धारा में है, 78 में है ना। क्वेश्चन ये है कि कोर्ट के आदेश पर किए गए कोई भी कार्य, चाहे वो अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से देखिए, कोर्ट के, अदालत के या किसी न्यायाधीश के आदेश पर किए जाने वाले कार्य सही माने जाएंगे, वो अपराध नहीं होंगे। देखना, मृत्यु दंड दिया जाएगा किसी व्यक्ति को आर्टिकल 302 के अकॉर्डिंग सेक्शन के, और कौन देगा, जल्लाद। क्या जल्लाद ने अपराध किया है, किसी व्यक्ति को मारा है यानी कि फांसी दी गई है, नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि जल्लाद के पास कोर्ट के ऑर्डर हैं अंडर सेक्शन 78 आईपीसी। यह आप नोट कर लीजिए कि दंडों के 5 प्रकार होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किस भाग में क्या लिखा हुआ है। देखना, पहला जो भाग प्रस्तावना नाम विस्तार परिवर्तन से संबंधित है, दूसरा है साधारण स्पष्टीकरण, इसमें कुछ शब्दावली होंगी दी हुई, स्पष्टीकरण जैसे ये आएगा उसमें। अभी आपको बताया था महिला, ये स्त्री क्या हो जाएगा, पुरुष क्या होगा, व्यक्ति किसे कहते हैं, है ना, देश या सीमा किसे कहेंगे, वो सब किस में, साधन स्पष्टीकरण में। किस में लिखा हुआ है, ये भाग नंबर 2 में लिखा हुआ है। भाग 3 में क्या है, सही, साधारण अपवाद, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन लिखे हुए हैं। और नंबर 5 में दुष्प्रेरण के विषय में, ये सेक्शन नंबर 107 से 120 तक। क्वेश्चन ये आएगा कि भाग 5 में जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 107 से 120 तक हो जाएंगे। 5A जो बाद में जोड़ा गया था, आपराधिक षड्यंत्र, जो कंस्पायरेसी होगी, वो किस में, ये आईपीसी की धारा 120 में बताया गया है। भाग 6 क्या है, राज्य के विरुद्ध, देखना राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ये आईपीसी की धारा 120 से 130 तक लिखा हुआ है। यहाँ पर आप राज्य शब्द का मीनिंग ये ना लगा लेना कि राज्य हमारा जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार, उससे मतलब नहीं है। इसमें संविधान में पढ़ा जाएगा, अनुच्छेद नंबर 12 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12, राज्य शब्द के अंतर्गत देश की संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा तथा ये राष्ट्रपति, और राज्यों के विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद यदि हो, तथा राज्यपाल और अन्य सरकारी पदाधिकारी आते हैं। स्टेट वर्ड पूरे भारत को इंडिकेट करता है कि, तो राज्य के विरुद्ध अपराधों के, कोई मान लीजिए देशद्रोह करता है, कोई अपराध ऐसा जो देश को हानि पहुंचा सकता है या किसी राज्य को भी, तो उसके लिए। नंबर 7 में क्या, सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित जो मामले होंगे, ये किस में, आईपीसी की धारा 131 से 140 तक लिखे हुए हैं। ऐसे ही नंबर 8, लोक शांति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, लोक शांति, कोई हम प्रायोजित ऐसे कोई शांति वाले स्थान जो सरकारी होते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर, वहाँ पर हम शांति भंग नहीं कर सकते। नंबर 9 में, लोक सेवकों द्वारा, जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं, लोक सेवकों द्वारा अपराधों के विषय में, ये सेक्शन नंबर 161 to 171, 161 से 171 तक। ऐसे ही 9A जो बाद में जोड़ा गया, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, जो इलेक्शन से संबंधित अपराध होंगे, ये किस सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 171 में। ये आप नोट कर लीजिए, अभी इससे आगे के हम भाग करते हैं।
देखिए तो भाग या अध्याय 10 से किससे संबंधित है, लोक सेवकों की अवमानना के विषय में। लोक सेवक क्या होते हैं, जो सरकारी पदाधिकारी, या तो सरकारी पदाधिकारियों की अवमानना की गई हो, यानी कि कंटेम्प्ट किया गया, मानहानि पहुंचाई गई हो, या फिर उनके द्वारा की गई है लोक सेवकों के लिए। और ये सेक्शन नंबर 172-190 तक, 172 से 190 तक। ऐसे ही इसका भाग नंबर 11 किससे संबंधित, मिथ्या साक्ष्य। मिथ्या का मतलब जो भ्रमपूर्ण होता है या फिर झूठा साक्ष्य होता है। कोई सरकारी पदाधिकारी अगर झूठा कोई साक्ष्य देता है वो एक अपराधी हो जाएगा, या फिर उसको कोई मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या जो साक्ष्य वो हमने उपलब्ध कराया है, हमने कोई झूठ बोला है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं ना, एक लास्ट में उद्घोषणा लिखते हैं कि मैं उद्घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य हैं, और अगर ये भविष्य में असत्य पाई गई तो मैं कोई भी दंड पाने का अधिकारी हूँगा। तो ये क्या दिया गया कि कोई भी हमें झूठा साक्ष्य नहीं देना, इविडेंस। ये सेक्शन नंबर 191-229 तक, 229 तक। भाग नंबर 12 किससे संबंधित है, सिक्कों और सरकारी स्टांप से संबंधित। सेक्शन नंबर 132-263, 263 से। हमें यह भी याद करना है कि इसमें सेक्शन कौन कौन से आएंगे। ओके, सिक्के सरकारी दस्तावेज जो होते हैं। नंबर 13, बाट और माप के मामलों में, जो हमारे वेट एंड मेजरमेंट होता है, बाट और माफ के मामलों से संबंधित जो अपराध हैं, ये 264 से 267 तक आएंगे, 267 तक। नंबर 14, लोक स्वास्थ्य सुविधा शिष्टा और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। अगर कोई अपराध ऐसे हैं जो इन पर प्रभाव डालते हैं, कोई कारक ऐसे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे अपराध, 268 से 294 तक आ जाएंगे। नंबर 15, अध्याय नंबर 15, धर्म से संबंधित अपराध। कोई धार्मिक अपराध अगर करते हैं, हालांकि इस संविधान में भाग 3 में भी दिया गया है, आर्टिकल 15-28 तक, यहाँ किस में आएगा, भाग नंबर 15 में, धर्म से संबंधित अपराध 295 से 298 तक या 298 तक हो जाएंगे। और नंबर 16, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध या कारक, है ना, उनसे संबंधित जो भी अपराध होंगे, ये 299 से 377 तक, 299-377 तक इसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले। नंबर 17, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, कोई हमारी संपत्ति या प्रॉपर्टी होगी उसके विरुद्ध अगर यह है कोई अपराध से संबंधित है, तो 378 से 462 तक हो जाएगा। और नंबर 18, जो भागे दस्तावेजों और संपत्ति चिन्ह से संबंधित मामले। दस्तावेज क्या होते हैं, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर कोई चिन्ह हो सकता है, है ना, किसी भी प्रकार का दस्तावेज, वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये किस में आ जाएगा, 463 से 489 तक आ जाएगा। तो ये 18 इसके भाग है, ये आप नोट कर लीजिए। अभी आगे के आपको भाग बताते हैं और भी, तो 23 ये कम्प्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखना भाग नंबर 19 में क्या आ जाएगा, भाग अध्याय 19 में, सेवा संविदा के आपराधिक भंग के संबंध में। अगर कोई सेवा या संविदा है ना, जैसे ओकेशन होती है वो संविदा, उनके आपराधिक रूप से हमें भंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये किस में आएगा, 490 से 492 तक, इसमें सेक्शन ये हो जाएंगे। ओके, आगे 20, विवाह संबंधी अपराध। तो विवाहिक संबंधी अपराध किस में आ जाएंगे, 493 से 498 तक। ये इन ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये 5 सेक्शन, इसमें महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में दी गई हैं। नंबर 20A जो बाद में जोड़ा गया था, इसमें पति या पति के नातेदारों, देखना रणनीति ध्यान से देखना है, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। वो नहीं कि कभी आफ्टर मैरिज किसी और से कोई क्रूरता करवा देंगे, जैसे दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, तो ये 20A में आ जाएगा, 498 स्पेशल केस इसके लिए, ठीक है रजनीति, तो ये ध्यान देना है आपको। 21 में क्या है, मानहानि, डिफेमेशन। हम किसी की मानहानि नहीं कर सकते, ये किसमें, सेक्शन 499-502, 502 तक। आगे से भाग नंबर 22, आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के संबंध में। अगर हम वही डिफेमेशन से संबंधित किसी का अपमान करते हैं या उसको कम आंकते हैं, अभित्रास, है ना, इसके लिए क्या आ जाएगा, 503 से 510 तक व्यवस्था है। और 23 भाग में क्या है, जो लास्ट वन है, अपराधों को करने का प्रयत्न करना, है ना, अटेम्प्ट करना, किसी अपराध को करने का हम अटेम्प्ट करते हैं, प्रयत्न, उसके बारे में दिया है ये धारा किस में, 511 में। देखना क्वेश्चन आता है कि संविधान याद आ रहे हैं, IPC की सबसे बड़ी धारा कौन सी, 302, उसमें क्या है, डेथ पेनल्टी के बारे में बताया गया कि किसी अपराधी को मृत्युदंड कैसे दिया जाता है या किन परिस्थितियों में। वैसे संख्या में अगर देखें तो 511 इसमें और 23 भाग हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो धारा मानी गई, सेक्शन जो माना गया है, वो 302 को माना गया है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, आपको ये जो भाग हैं इसके, और भाग कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उस भाग में, ये सेक्शन
ये आपको लर्न करने हैं, नोट करने हैं। तो जैसे भी आप स्क्रीन शॉट ले, तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।